डालने के बाद इसका पानी है ना फेंक के इसको आप बना के और खाओगी ना तो आपको कड़वा नहीं लगेगा। देखना मैं थोड़ा काम कर लूँ बाहर, कपड़े वपड़े पड़े हुए धो लूँ, आप देखते रहना खुल जाएगा तो ठीक है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे सदियों तक लोग अपना इलाज करते रहे। आज हमारे पास समय नहीं है कि प्रकृति के इस वरदान के बारे में जानें। हमने इस वरदान से मुंह मोड़ लिया है और एक ऐसे तरीके को इलाज के लिए चुना है जिससे एक फ़ायदा तो है लेकिन सैकड़ों नुकसान भी हैं। देखिए ये दवाएँ किस तरह बनती हैं। ये दवाएँ मानव निर्मित केमिकल से बनती हैं जो वातावरण और भूमिगत जल को प्रदूषित करती हैं। संभावना आयुर्वेद से इलाज को वरदान मानता है और सामुदायिक स्वास्थ्य के द्वारा इस कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना सिखाता है। हमारी ये मेहनत अब रंग ला रही है। आप में से कई लोगों ने अपनी बस्तियों में कई छोटे बड़े औषधीय बगीचे तैयार किए और कर रहे हैं। नवाब कॉलोनी, अन्नू नगर, ब्लूमन कॉलोनी और न्यू आरिफ नगर के स्वयं सेवकों ने जगह, सामान और एक एक दो दो रुपये चंदा करके लगभग 1500 रुपये दान देकर बगीचा बनाया। इस काम में आपकी भागीदारी की ज़रूरत है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। हम बस्ती के लोगों का था पहले से हाल, बीमारियों से घिरे और जानकारी से बेख्याल, झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते थे और अनजाने में अपना पैसा वहाँ स्वास्थ्य गवाते थे। और फिर सुंदर सा बदलाव हमारे जीवन में आया, सामुदायिक स्वास्थ्य को हमने अपनाया, अपने घरों व बगीचों में जड़ी बूटी के पौधे लगाए जिससे आज अपना खुद इलाज कर पाए। हमने अपना पैसा बचा कर स्वास्थ्य व जानकारी पाई है, बात हमारी बोलो क्या तुम्हें भी समझ में आई है।